पाँच छः साल से मेरी आदत बनी हुई थी सुबह 4-5 बजे तक जगना, रात को काम करना, रात को आइडिया सोचना, रात में प्लानिंग करना, रात में ख्यालों के महल बनाना। मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी विल पावर लगा दी, पर मुझसे नहीं हो पाया। YouTube पर एक भी वीडियोस मैंने नहीं छोड़ी, सब के सब टेक्निक्स मैंने अप्लाई कर दी और कई बार ऐसा भी करा कि पूरी रात जग कर दिन को भी जगा ताकि नेक्स्ट नाइट टाइम पर नींद आ सके। उसके बाद भी ये 2-3 दिन तक रहता लेकिन वो भी टूट जाता। मैंने गूगल पर सुबह जल्दी उठने को लेकर एक एक आर्टिकल पढ़ लिया, मैंने पूरा का पूरा क्वारा छान लिया, मैंने सब पढ़ लिया। मैंने एक ऐसी अलार्म भी सेट कर ली जिसमें 100 बार मोबाइल में गणित की कैलकुलेशन करोगे तो ही अलार्म बंद होगी, या फिर फ़ोन को शेक करोगे तो ही अलार्म बंद होगी, वो भी मैंने ट्राई कर लिया। पर होता क्या था कि मैं कैलकुलेशन करके 20 मिनट वहाँ पे देकर मैं उठ तो जाता था लेकिन पूरे दिन नींद जैसा होता था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैं मैथ्स की कैलकुलेशन वाली अलार्म भी पूरी तरह से 20 मिनट देकर उसको बंद करके भी सो जाता। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करने वाला भी तरीका अपना लिया कि उठते ही सीधा मैं स्नान करूँगा, वो भी अपना लिया। लेकिन जो इंसान पूरी रात नहीं सोया है उसके लिए एक स्नान क्या काम करेगा, तो वो करके भी मतलब स्नान करके भी मैं सो जाता। मैंने हार्ड से हार्ड कॉफ़ी बनाकर भी पी ली, मैंने साइकोलॉजी डॉक्टर को भी बता दिया, उनको मैंने कहा कि कैसे भी करके मुझे दिन में जगा के रखो और रात को सुलाओ। तो उन्होंने मुझे रात को लेने के लिए गोली दी जिससे मुझे रात को नींद आ जाए, और एक गोली दी जो मुझे सुबह उठते ही लेनी है जिससे पूरे दिन में अलर्ट रहूँगा, एनर्जेटिक रहूँगा। ये मैंने 10 दिन ट्राई किया लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। पूरे 5-6 साल में 100 तरीके मैंने ट्राई कर दिए, मैं सुबह नहीं उठ पाया। मैंने सोच लिया मैं ज़िंदगी भर रात को जगने वाला ही इंसान रहूँगा, पर मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालनी थी। लेकिन फाइनली अब 3 महीने मैंने कंप्लीट कर दिए हैं मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। मैंने सुबह उठने के फायदे बहुत बताए पर आज तक कभी इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई कि सुबह जल्दी कैसे उठें, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा था। और आज ऐसा सोल्यूशन लेकर आया हूँ जो पूरे इंटरनेट पर गूगल, यूट्यूब, कोरा, हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में मुझे तो नहीं मिला। मैंने पूरी पूरी रात जग कर घंटों की रिसर्च की इंटरनेट पर, मैंने बहुत अलग अलग डॉक्टर से भी बात की इसके बारे में, मुझे कहीं वो सोल्यूशन नहीं मिला जो मैंने खुद के लिए मैंने बनाया। आई होप आपके लिए भी वो काम करेगा। मैंने अलग अलग ऑथर्स की, फेमस ऑथर्स की 3 बुक्स खरीदी सुबह जल्दी उठने पर। मैंने पूरी पूरी बुक पढ़कर अप्लाई भी किया, वो मेरे लिए वर्किंग नहीं था। अब मैं जो बोलने वाला हूँ आप यकीन नहीं करोगे कि वो भी मैंने ट्राई कर दिया। मैंने इतनी हद कर दी थी सुबह जल्दी उठने के लिए, मैंने एक बंदा अपने टीम में सिर्फ इसलिए हायर किया जो मुझे कैसे भी करके सुबह उठाएगा और वो मुझे पूरे दिन जगाए रखेगा। लिटरली ये पागलपन लग रहा होगा आपको पर मैंने ये ट्राई किया। जब मैं गुड़गांव में रहता था तब अपने रूम के मेड को भी बोल दिया था कि मैं आपको और एक्स्ट्रा पे करूँगा अगर आप कैसे भी करके मेरे मुँह पर पानी डालकर कैसे भी करके आप मुझे सुबह उठा लोगे, पर उन्होंने तो मना ही कर दिया। कोई तरीका काम नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न ये था कि मैं बाहर की दुनिया में सोल्यूशन ढूंढ रहा था, अंदर नहीं देख रहा था। किसी वजह से अगर मैं उठ भी जाता तो भी पूरे दिन मुझे थका हुआ फील होता और हर वक्त बस सोने का मन करता पूरे दिन। हाँ, मैं रात को बहुत ज़्यादा काम करता था, मैं रात को अच्छे से लिख पाता था, रात को अच्छे से जो मेरा काम है उसको मैं समझ पाता था, जो भी टेक्नोलॉजी का काम है उसको मैं समझ पाता था, अच्छे से एनालिटिक्स रिपोर्ट को मैं समझ पाता था, मैं रात को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता था, मैं रात को अच्छे से अपनी साइट पर वर्क कर पाता था। पर अब उससे ज़्यादा बेटर तरीके से मैं दिन को कर पाता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा था, मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरे दिमाग को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरी विल पावर वीक थी, मेरा मन पर काबू नहीं था। रुको, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह उठने के लिए दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सुबह उठने के लिए मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा था, ये नहीं कह रहा। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये समझ लिया तो दुनिया की कोई भी हैबिट आप चेंज कर सकते हो, कोई भी हैबिट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मैंने एक बात नोटिस की, मैं जब भी सुबह जल्दी उठने वाला बन जाता था, जैसे ही 5 दिन हुए 10 दिन हुए मैं फिर से इसलिए उसको तोड़ रहा था क्योंकि मेरा मन कर रहा था। कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता था कि मैं रात को जग जाता था, मेरा मन करता था कि मैं रात को जगूँ इस बारी, मेरा मन कर ही जाता था रात को चिल करने का, रात को काम करने का। एक रात का एक फ्लो होता था, एक रात में अलग ही मैं एक अलग ही जोन में जाता था, मुझे वो जोन पसंद था, रात को काम करना पसंद था। पर उसी आदत की वजह से मेरा फ्लो बार बार टूट रहा था। मैं रात को जगकर अनहेल्दी फूड्स खाता, नूडल्स, स्वीट्स, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह खाता मैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सीख गया था बनानी। मैंने एक बात नोटिस की, आदत तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाऊँगा मैं। मैं जड़ तक गया, मुझे एक बात पता चली, मुझे अपनी विल पावर पर काम करना होगा।
एक टाइम ऐसा आ गया था, क्योंकि जो लोग रात को जगते हैं वो ये समझ पाएंगे कि जब रात को जगते हैं और उसके बाद में जब लेट उठते हैं तो रात की नींद ना मिलने की वजह से पूरे दिन थकान जैसा लगता है, पूरे दिन सोने का मन करता है। मैंने एक बार हद कर दी, मैंने 16 घंटे की नींद ले ली थी थकान की वजह से। मैं बहुत चिढ़ गया, मैंने सोचा यार ये कब तक चलेगा। मैं मेहनत कर रहा था, काम अच्छे से कर रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, काम जा रहा था अच्छे से, बस मुझे जो करना था वो सुबह उठकर ही करना था। क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं उसको सुबह करूँ या रात को करूँ, मैं कभी भी कर सकता था। मैं पूरी रात जग के भी काम करके पूरा दिन सोऊँ तभी कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे करना सुबह ही था। मुझे नाइट आउल नहीं रहना था, मुझे अर्ली बर्ड बनना था, मुझे सुबह उठने वाला बनना था। और मैं ये भी चाहता था कि जब भी मेरा मन हो तब मैं रात जग सकूँ, बट फ्लो ना टूटे। फिर से जैसे ही 2-3 दिन मैंने रात खराब करी, रात जगा, उसके बाद भी मैं चाहूँ तो फिर से बदल के मैं सुबह उठने वाला बन सकूँ, ऐसा टाइम चाहता था। मैं रात को जो काम करता था वो छोड़ नहीं पा रहा था, और दिन में मुझसे उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा था जो रात को कर रहा था। आप यूँ समझ लो, कई लोग रात को सही से पढ़ पाते हैं, कई लोग होते हैं जो दिन में सही से पढ़ पाते हैं। तो मैं रात को सही से काम कर पा रहा था, पर चाहता था कि वो काम मैं दिन को सही से कर पाऊँ, वो फील दिन को आ जाए मुझे। मैंने सोचा यार हाँ ठीक है अमेरिका जाना है, पर अमेरिका जाने से पहले ही उसका टाइम जोन क्यों जी रहा हूँ मैं। मैं एक तरह से अमेरिका के दिन रात के अकॉर्डिंग चल रहा था। जब अमेरिका में रात होती थी यानी इंडिया में दिन होता था तब मैं सोता, और जब अमेरिका में सुबह होती यानी कि इंडिया में हाफ डे एंड हो जाता तब मैं उठता। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि मुझे यह समझ आ गया था कि जोश से काम नहीं होगा, जोश में सुबह नहीं उठना, ऐसे सुबह उठना है कि उसकी आदत पड़ जाए, जिस तरह से रात वाली जिंदगी की आदत पड़ी है। कोई भी आदत बदलनी है तो उस नई आदत से प्यार होना जरूरी है, वरना आपकी विल पावर कितनी ही स्ट्रांग होगी आप आदत नहीं ऐड कर पाओगे, आप उसको छोड़ दोगे करते करते। मैंने कोई एक चीज ढूंढी कि अगर वो मैं सुबह करूं तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं सुबह जिसकी मुझे आदत पड़ जाए, जो मैं छोड़ ना सकूं, उसकी लत लग जाए और सुबह फिर मुझे उठना ही पड़ेगा। ऐसा नशा हो जाए सुबह उस चीज का कि मुझे उठना ही पड़ेगा, मेरा दिमाग मुझे कैसे भी करके उठा दे, और वो नशा भी फायदेमंद हो। मैंने पिछले 5-6 साल में दिमाग के बारे में पढ़ा, मैंने डोपामिन सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैंने समझा विल पावर कमजोर क्यों होती है, यानी मन काबू में ना आने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। मैंने दिमाग को घोल के पी लिया, समझ लिया इसको अच्छे से। मैंने बुक लिख दी इसके ऊपर, पूरी किताब लिख दी, इतना पढ़ लिया इसके बारे में। मैंने पढ़ा आलस क्यों आता है, आदत क्यों चेंज नहीं होती है। मैंने सब दिमाग के बारे में अच्छे से पढ़कर मैंने बुक लिख दी, और उस बुक को पढ़ के लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं कि भाई क्या चीज लिख दी है तूने, रिव्यूज आते हैं बुक के। तो पॉइंट पर आता हूं मैं, मुझे बस सुबह उठने के लिए कोई एक चीज चाहिए थी। मैंने सोचा यार मुझे एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, मुझे समझाना अच्छा लगता है, जैसे अब मैं समझा रहा हूं। मैंने सोचा मैं जहां रहता हूं वही कॉलेज में फ्री वर्कशॉप शुरू कर लेता हूं। डेली सुबह एक फ्री वर्कशॉप होगी जिसमें टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। अब ये मुझे करना इतना पसंद है कि मैं जिंदगी भर इसको फ्री में कर सकता हूं। पर इसमें एक डिसएडवांटेज भी थी, मैंने कॉलेज में बात भी कर दी पर ये आइडिया सही नहीं था, क्योंकि अगर मैं जब जब राजस्थान से बाहर जाऊंगा तब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए आ सकूं। और कोरोना की वजह से गैदरिंग भी बंद हो गई थी, कॉलेज बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जबरदस्ती पबजी की लत लगा दी। बात है 1 साल पहले की और कॉलेज वाली बात है 2 साल पहले की। तो 1 साल पहले की बात है पबजी वाली, मैंने पबजी खेला, आदत बनाई। मैंने सोचा इसका टाइम रखते हैं सिर्फ सुबह के लिए, उठते ही खेलूंगा 1-2 घंटे, पूरी तरह से नींद उड़ जाएगी, उसके बाद में दिन में जगा हुआ रहूंगा। पर हुआ ये कि ये गेम इतना एडिक्टिव निकला कि मैं रात को भी खेलने लग गया और दिन में सोने लग गया, और जहां मैं रात को काम कर रहा था वो भी डिस्टर्ब होने लग गया इस गेम की वजह से, तो ये भी सही नहीं था। और कई बार होता ये था कि उठते ही गेम खेलने के बाद में नींद तो उड़ जाती थी पर दोपहर में फिर से नींद आती थी और काम नहीं होता था। तो जगने का फायदा किया जब पूरे दिन नींद आ रही है, सुबह उठने का फायदा किया। फिर मैं चाह रहा था कि सुबह उठूं और पूरे दिन अलर्ट रहूं, रात को अच्छे से नींद आए। मुझे कोई हेल्दी सॉल्यूशन चाहिए था यार, ये गेम वेम नहीं खेलना मुझे। तो ऐसी क्या चीज है कि जो सुबह कर सकता हो जिससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे और मेरा दिमाग भी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मुझे सुबह उठने के लिए कोई नशे वाली चीज चाहिए थी यार, जिसकी लत पड़ जाए, जिसका नशा चढ़ जाए। सेकेंड, वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि मेरा उस काम को और करने का मन हो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है अब मन नहीं कर रहा है, उसकी लत और बढ़नी चाहिए और वो फायदेमंद हो, हेल्दी हो। फिर मैंने एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा। मैं आपको समझाता हूं कि एक्सरसाइज में होता क्या है।
जब एक्सरसाइज करते हैं तब हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, वो हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज होते हैं और आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है, यानी कि टेंशन जो होती है, तनाव जो होता है, वो कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से। मुझे पता लगा पढ़ने के बाद में कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट लग गया अपनी बॉडी को लेकर के। मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मुझे फ्री में बहुत सारा सोना मिल गया। वजह से ये एक तरह से मुझे ऐसा फील करवा रहा था कि मुझे बहुत सारा सोना मिल गया, फ्री में गोल्ड मिल गया मुझे कहीं पड़ा हुआ। इस बात को जान करके कि एक्सरसाइज से एक चीज होती है, जैसे ही आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आप जिम जाते हो, कार्डियो करते हो, तो जिम जाओगे तो डाइट लोगे ही, अपने आप आपसे ये होगा। आप जिम जाओगे, आप वही खाओगे जो शरीर के लिए अच्छा है, जो दिमाग के लिए अच्छा है। यू आर वॉट यू ईट, पढ़ा होगा आपने, यानी आप जो खाते हो वो बनते हो। आपका मूड, आपको कितना गुस्सा आता है, आप मन को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आप आलसी होते हो या एनर्जेटिक होते हो, आप कितने हम्बल बनते हो, आप कितने प्रेम वाले बनते हो, ये सब खाने पीने से फर्क पड़ता है। जिम जाओगे अच्छा खाओगे ही, मतलब ये फैक्ट है कि खाओगे ही। जिम से हैप्पीनेस मिल रही है वो अलग, स्ट्रेस दूर हो रहा है वो अलग, खा भी रहे हो उससे फायदा अलग मिल रहा है, दिमाग मजबूत बन रहा है। दिमाग मजबूत बनेगा यानी आप मन को कंट्रोल करोगे। अगर आपको देखना है कि आपका दिमाग कमजोर है या मजबूत, तो बस ये देख लो कि आप पूरे दिन में कितनी ऐसी चीज करते हो जो आप नहीं चाहते करना पर फिर भी कर लेते हो, क्योंकि मन आपके कंट्रोल में नहीं है, दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। मन को खुश करने के लिए करते हो लेकिन वैसे आपका मन चाहता नहीं है वो करना। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है। तो मुझे ये समझ आ गया कि जोश से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, दिमाग से, दिमाग के साथ खेलना होगा, दिमाग से इस दिमाग को कंट्रोल करना होगा। मुझे समझ आया कि दिमाग से इस दिमाग को समझना होगा। सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना था, कोई एक नशीली चीज चाहिए थी, ऐसी चीज मुझे सुबह ऐड करनी थी जिसकी मुझे लत लग जाए और मुझे जिम में पसीना बहाने से ज्यादा एडिक्टिव चीज कोई नहीं मिली। मेरी विन विन सिचुएशन हो गई। सुबह कुछ चाहिए भी था करने को और एक्सरसाइज तो ऐसी चीज है जिससे और कंट्रोल मेरा बढ़ेगा अपने आप पर। मैं जब 16 घंटे सो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं रात को 11 बजे गया एक जिम ट्रेनर के पास। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग की फीस पे कर दी, मैंने जिम की भी फीस पे कर दी, मैंने कहा कि सुबह मैं आ रहा हूँ जिम में। मैं सुबह 6 बजे सोया, पूरी रात जगा, 6 बजे सोया और 7 बजे उठकर मैं जिम चला गया। एक ही घंटा सोया था मैं। पहले एक दिन पूरे दिन मन हुआ कि मैं सो लूँ, बस एक घंटा सो लूँ, पर मुझे पता था अगर ये मान के सो गया कि मैं 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए सो रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा सो लूँगा और उसके बाद मैं रात को नींद नहीं आएगी। मैंने कैसे भी करके रात के 11-12 बजा दिए अपने आप को जगा हुआ रख के, पर जब रात के 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी सोया 3-4 बजे। फिर से 7 बजे उठा, जिम गया, नींद की बहुत कमी हुई मुझे, मैंने पूरा कंट्रोल करा। मैंने सोचा अब ये मेरे पास में लास्ट चांस है अपनी हैबिट को चेंज करने का। मैं दूसरे दिन भी जिम गया और पूरे दिन नहीं सोया फिर से, और रात को 12 बजे नींद आ गई। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रात को 12 बजे मुझे नींद आ गई और मैं फिर से 7 बजे उठ के जिम गया और मेरा फ्लो बन गया। बात ये नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला बन गया था, ध्यान से सुनना, पॉइंट पकड़ना मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करना था मुझे। स्टार्ट तो मैंने 4-5 साल में कितनी बारी कर दिया था, पर 10 दिन, 15 दिन करता, 20 दिन करता, फिर से छूट जाता। पर अब वो तरीका मिल गया मुझे सुबह उठने का जो एडिक्टिव है। जिम जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझसे रात को सोया नहीं जा रहा था एक टाइम था, अब रात को जगह नहीं जाता। अब ये सोचकर खुश होकर सोता हूँ कि कल मुझे जाना है, मुझे ये एक्सरसाइज लगानी है, और मैं खुश होते हुए सोता हूँ और उठता हूँ तब भी खुश होते हुए उठता हूँ। अब मैं पूरे दिन वो काम करता हूँ, उस जोन में काम करता हूँ जिस जोन में पहले मैं रात को ही किया करता था, और रात को भी कई बार 2-3 बज जाते हैं फिर भी फ्लो नहीं टूट रहा है। लास्ट 3 महीनों में कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात को जगा हो लेकिन फ्लो टूटा नहीं है। 3 महीने लगातार सुबह जल्दी उठने वाला बंदा बना हुआ हूँ मैं। एक वक्त था कि 100 बार कैलकुलेट करने वाली अलार्म चाहिए थी, 100 बार फोन को शेक करने वाली अलार्म चाहिए थी, पर अब मैं बिना अलार्म पहले ही उठ जाता हूँ। एक वक्त था दोस्तों उठने के बाद 2 घंटे तक नींद नहीं उतरती थी, और आज वो वक्त है कि मैं बीमार भी होता हूँ ना तब भी मैं जिम जाता हूँ, मेरे को फीवर होता है तब भी मैं जिम जाता हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी जिम हो सकता है कि आपके लिए कोई और हो। आप मेरा स्ट्रक्चर लो, मेरा जो एक सोल्यूशन है वो लो और अप्लाई वो करो जो आपके लिए सही हो। और पता है सबसे बेस्ट चीज क्या है इस वीडियो की? सबसे बेस्ट चीज क्या है जो पूरी लाइफ बदल सकती है आपकी?
वो ये कि जिस दिन आप कोई एक आदत बदल देते हो तो आपके लिए दूसरी आदत बदलना काफी आसान हो जाता है, आप योद्धा बन जाते हो। मैंने एक दिन कहा था एक वीडियो में कि योद्धा वो नहीं है जो बाहर की दुनिया बदले, योद्धा वो है जो खुद को बदल दे, दुनिया में सबको ना बदले, सब पर काबू ना कर दे, जो खुद के मन पर ही काबू कर ले, जो बाहर की दुनिया में जीत प्राप्त ना करे, जो अंदर की ही दुनिया में जीत प्राप्त करते, अपने अंदर की दुनिया में, मन की दुनिया में, दिमाग की दुनिया में। और मन को काबू आप जोश के साथ में कभी नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग के साथ, दिमाग से खेलकर दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हो। दिमाग के साथ में दिमाग के साथ खेलना होता है। मैंने केवल जिम की हैबिट ऐड नहीं की, मैंने इस तरह से हर वो आदत बदल दी जो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। एक्सरसाइज केवल बॉडी के लिए नहीं होती है, जिम केवल बॉडी बनाने के लिए नहीं जाया जाता है, केवल उसे बॉडी नहीं बनती है, जिम से आपकी विल पावर इंक्रीज होती है। विल पावर इज एवरीथिंग, जो भी आपको करना उसमें। दोस्तों ये थी मेरी सच्ची कहानी, आई होप इसमें से कुछ आप ऐसा उठाओगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर पूरी कहानी जाननी है, अगर एकदम अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है कि क्या मैंने रिसर्च की, क्या मैंने पढ़ा, कैसे मैंने आलस को कंट्रोल में लाया। पहले मैं बहुत लेजी था और आज मैं बहुत बिजी हूँ। लेजी से बिजी तक का सफर जानना है तो मेरी एक ईबुक है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसे आप अभी अपने फोन में डाउनलोड करके पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देने वाली ये ईबुक आप सिर्फ 39 रुपीज में खरीद सकते हो। खरीदने के बाद में डाउनलोड बटन आपको शो हो जाएगा और आपको ईमेल भी हो जाएगी। कोई दिक्कत है तो जिस लिंक से आप खरीद रहे हैं वहां पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी है, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इस ईबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आज ये नहीं पढ़ोगे तो कल कोई और ये ईबुक पढ़ के कामयाब हो रहा होगा आपके सामने। आप बस देखते रहोगे और लोग अपनी जिंदगी बदलते रहेंगे। दोस्तों एक लाइन मैंने अपने आपको बोली थी जिसके बाद में मेरी विल पावर काफी बढ़ गई थी और वो मैं आप बोल रहा हूँ। अगर इंसान का जीवन लेकर दिमाग को ही कंट्रोल नहीं किया तो जीवन इंसान का नहीं जानवर का जिया जा रहा है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।